फारूक अब्दुल्ला अपने घर में नज़रबंद हैं उनका बेटा उमर अब्दुल्ला भी हिरासत में ऐसे में उनके परिवार की दो लेडीज़ ने संभाली है कमान 370 जो हटाई गई है उसका विरोध करने की उस लड़ाई को आगे जारी रखने की कौन कौन है उनके परिवार में उन किन महिलाओं ने कमान संभाली है वो आपको बताते हैं और आज क्या हुआ दरअसल एक बेटा उमर अब्दुल्ला है फारूक अब्दुल्ला के और तीन बेटियाँ हैं साफिया हिना और सारा सारा पायलट सचिन पायलट की पत्नी है और ऐसे में सचिन पायलट का रुख 370 को लेकर बहुत ज़्यादा विरोध में नहीं है खुलकर उन्होंने नहीं कहा लेकिन ज्योतिरादित सिंधिया ने जिस तरह से 370 हटाने को लेकर मोदी का समर्थन किया कई और नेताओं ने किया कांग्रेस तोफाड़ हो गई है इसलिए सारा पायलट इस मामले में खामोश है लेकिन जो दूसरे नंबर की बेटी है हिना उसने वो क्योंकि बाहर रहती है उसने वहीं से ट्वीट किया देश में नहीं रहती कि मेरी बड़ी बहन साफिया को इजाज़त दी जाए कि वो कम से कम पिता से मिल सके उन्हें दवाइयाँ दे सके और उसके बाद उसके बाद साफिया और जो उनकी साफिया सबसे बड़ी बेटी हैं फारूक अब्दुल्ला की और इन उनकी बहन है सुरैया वो मैदान में आई दरअसल जो फारूक अब्दुल्ला का घर है उसके एक तरफ़ सोलोमन हाइट्स एक घर है जो उनकी छोटी बहन सुरैया का है और दूसरी साइड में जो घर है वो बड़ी बेटी साफ़िया का है और ऐसे में सैंडविच की तरह उनका घर बीचों बीच में है और दोनों के अंदर से घर के दरवाजे भी हैं जहाँ से तीनों घर आपस में एक दूसरे से एंट्री कर सकते हैं बिना सड़क पर आए लेकिन जब से उन्हें नज़रबंद किया गया है तब से उन अंदर के गेट्स पे गार्ड बैठा दिए गए हैं और ऐसे में उन्हें दवाई देने की इजाज़त मिल गई कि बेटी जाके दवाई दे सकती हैं उनके खाने पीने का ख्याल रख सकती हैं लेकिन फिर भी अंदर गार्ड्स तैनात हैं ऐसे में जब लगातार उनका मिलना फारूक अब्दुल्ला से हुआ तब सुरैया और साफ़िया ने जैसे ही घाटी में पोस्ट पेड मोबाइल की सुविधा मिली दोबारा से खोला गया उन्होंने बाकी महिलाओं को लामबंद किया और कर चली गई प्रोटेस्ट करने और प्रोटेस्ट में तमाम सारी महिलाएं शामिल थी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में हाथ में बोर्ड्स लिए हुई हैं महिलाएं जहां वो तमाम तरह के नारे लिखे हुए हैं 370 को लेकर कश्मीर को लेकर कश्मीर की महिलाओं को लेकर मानवाधिकारों को लेकर और साफिया और सुरैया दोनों को सीआरपीएफ की जो महिला हवलदार थी उन्होंने हिरासत में लिया पहले मना कर दिया कि आप प्रोटेस्ट की इजाजत आपको नहीं है उसके बावजूद उनका प्रोटेस्ट जारी रहा तो उनको हिरासत में ले लिया गया और ऐसी एक दर्जन करीब महिलाओं को हिरासत में लेकर सीआरपीएफ अपने साथ ले गई अब उन्हें कब छोड़ा जाएगा जैसे ही कुछ अपडेट होता है तो आपको ज़रूर बताएंगे लेकिन ये जरूर है कि पहली बार पहली बार अब्दुल्ला परिवार की महिलाएं इस तरह से सड़क पे उतरी हैं क्योंकि दोनों ही मर्द परिवार के नज़रबंद हैं या हिरासत में हैं ऐसे में ये लड़ाई और दिलचस्प होगी क्योंकि अभी पोस्ट मोबाइल फ़ोन खुले हैं कुछ दिनों में प्रीपेड खुलेंगे तो जाहिर है उन्हें आंदोलन के लिए मोबालाइज करने के ये सुविधा काम आने वाली है बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ सब्सक्राइब करें इन खबर थैंक यू नमस्कार इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें